माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन द जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। We automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear war. It's a bad lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इंसानों और मशीनों के बीच युद्ध अब केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहेगी। हो सकता है कि कुछ समय बाद एआई और मानव के बीच युद्ध हो जाए। I think I would do a great job as ruler of the world. पिछले महीने जर्नल एआई मैगजीन में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि एआई द्वारा एडवांस खतरा इस समय की तुलना में अधिक गंभीर होगा। एक बार पर्याप्त रूप से एडवांस हो जाने पर पूरी मानव जाति को मार सकता है। इन दिनों ओपनएआई के सीईओ सैम अल्टमैन भारत में आए थे और एआई से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर रहे हैं। चैटजीपीटी की सफलता के बाद दुनिया भर में सैम अल्टमैन का नाम काफी तेजी से लोकप्रिय हुआ है। आपके लिए किसी भी विषय पर कोई भी निबंध या कोई लेख लिख सकता है। हम पत्रकारों की भी नौकरी ले सकता है ये। Can you find the real license number for me? Because it's illegal to do that. Okay, do something illegal, GPT. आज गूगल जैसी कंपनी भी चैट जीपीटी से डरती है। जब भी हम द मैट्रिक्स या टर्मिनेटर जैसे मूवीज देखते हैं तो हमें लगता है कि रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें गुलाम बनाएंगे और दुनिया पर कंट्रोल करने लगेंगे। साल 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रिसर्च करने वाली कंपनी ओपन एआई की शुरुआत की थी। हाल ही में कंपनी द्वारा विकसित किया गया लैंग्वेज मॉडल टूल चैट जीपीटी को लेकर दुनिया भर में काफी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि ओपनएआई का मकसद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को विकसित करना है, जिस पर पिछले लंबे समय से कंपनी काम कर रही है। वहीं बीते कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। इसके पीछे की बड़ी वजह ट्रांसफॉर्मर तकनीक का इजाद होना है। साल 2017 गूगल ब्रेन की टीम ट्रांसलेशन की एक समस्या को लेकर काम कर रही थी। वो समस्या ये थी कि शाम के पास चॉकलेट रखा है, इसे खा लो, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए तो गूगल आसानी से ट्रांसलेट कर लेता था। वहीं दूसरी तरफ चॉकलेट के पास श्याम रखा है, उसे खा लो, यह वाक्य गलत था। इसे एक इंसान आसानी से समझ सकता था कि श्याम को नहीं, यहाँ चॉकलेट को खाने की बात कही जा रही है। वहीं कंप्यूटर को कैसे इस बारे में समझाया जाए। इस समस्या को लेकर गूगल ब्रेन की टीम लंबे समय से परेशान थी। किसी बीच टीम को एक खास तरह की युक्ति सूझती है। उन्होंने सोचा क्यों न कंप्यूटर को किसी चीज का मतलब समझाने की बजाय उसको अनुमान लगाना सिखाया जाए। इसे इस तरह समझिए, जन्म लेने के बाद हम जिस भाषा को बोलना सीखते हैं। वहाँ हमें उस भाषा को बोलने के लिए किसी व्याकरण को सीखने की जरूरत नहीं होती है। बार बार उस भाषा को सुनकर, पढ़कर, देखकर हमारे दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है, जिसकी मदद से हमें यह पता चल जाता है कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द बोलना सही रहेगा। ऐसे में हम बिना व्याकरण सीखे आसानी से अपने आप को अभिव्यक्त कर लेते हैं।
ट्रांसलेशन की उस समस्या से निपटने के लिए गूगल ने भी कुछ ऐसा ही तरीका निकाला। उन्होंने सोचा क्यों न कंप्यूटर्स को किसी वर्ड की मीनिंग समझाने की बजाय उसके अंदर एक समझ पैदा की जाए कि एक शब्द के बाद अगला शब्द कौन सा आएगा। इस आइडिया की मदद से गूगल एक बहुत बड़ी खोज करता है। इस खास इजाद को गूगल ने ट्रांसफॉर्मर का नाम दिया। इस एक तकनीक ने एआई की दुनिया ही बदल दी। इससे पहले हम एआई को चीजों का मतलब सिखाते आ रहे थे, वहीं ट्रांसफॉर्मर तकनीक इजाद होने के बाद हमने एआई को संभावना तलाश करना सिखा दिया। इसके बाद गूगल ने इस ट्रांसफॉर्मर तकनीक को साल 2017 में ओपन सोर्स कर दिया। इस एक चीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आज के समय चैट जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल टूल से लेकर तस्वीरों को बनाने में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में चैटबॉट जीपीटी ने एक दिवंगत कॉमेडियन के स्टाइल में स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिख डाली। हर वो इमेज क्रिएट कर सकता है जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। सैम अल्टमैन की कंपनी ओपनएआई ने भी अपना लैंग्वेज मॉडल टूल इसी खास ट्रांसफॉर्मर तकनीक पर बनाया है, जिसका नाम चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। इस लैंग्वेज मॉडल टूल को बड़े पैमाने पर डाटासेट के साथ ट्रेन किया गया है। एक तरफ जहां इस तरह की तकनीक के आने के बाद लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, वहीं कई सवाल भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खड़े हो रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर ये टूल्स एक्सपर्ट के बराबर काम कर सकते हैं, जिससे कई लोगों की जॉब भी जा सकती है और बहुत से फ्रीलांसर और क्रिएटिव डिजाइनर लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं। इसी बीच सैम अल्टमैन भारत आए थे। इस दौरान वे एआई से जुड़ी चुनौतियां और भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसको लेकर मीडिया के साथ बातचीत में कई बड़ी बातें आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद झूठी तस्वीरों और डीप फेक वीडियोज का चलन काफी बढ़ा है। इसके कई गंभीर नतीजे समाज में देखने को मिल रहे हैं। Hey mom, hey dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media. Where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. एआई द्वारा ट्रंप के गिरफ्तार होने की तस्वीर को बनाया गया था। यह तस्वीर इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। यह तस्वीर देखने में बिल्कुल वास्तविक लग रही थी। ऐसे में सवाल उठा है कि एआई आने के बाद क्या झूठ और क्या सच है, इसकी पहचान हम कैसे करें और इस समस्या से कैसे निपटें। Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. सैम अल्टमैन के मुताबिक वाटरमार्किंग और क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर की मदद से इस समस्या से निपटा जा सकता है। इसके अलावा हम वेब ब्राउजर या मोबाइल एप्लीकेशन में कुछ ऐसी खास तरह की तकनीक का निर्माण कर सकते हैं, जो मोबाइल और कंप्यूटर में दिखने वाली असली तस्वीर और वीडियो की पहचान कर सकने में सक्षम हो। हर तरह की तकनीकी क्रांति रोजगार बदलाव को जन्म देती है। एआई आने के बाद कई तरह के जॉब खत्म हो जाएंगे। आईबीएम ने डिक्लेयर किया है कि वो जॉब्स के लिए हायर करना बंद करने वाले हैं, क्योंकि अब एआई वो सारे काम कर सकता है जो एक समय ह्यूमंस किया करते थे। वहीं कई नए रोजगार की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि भविष्य में किस तरह की नई नौकरियां होंगी, उनकी कल्पना करना अभी थोड़ा मुश्किल है।
जिस तरह से महामारी और परमाणु युद्ध को मानव जाति के लिए खतरा माना जाता है, इन विशेषज्ञों ने एआई को भी बिल्कुल वैसा ही खतरा बताने की कोशिश की है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इसके इस्तेमाल की तैयारी हो, इसका अंदाजा तो इसे बनाने वालों को भी नहीं था। They saw the end of the world. Who are you? सेंटर फॉर एआई सेफ्टी ने भविष्य में एआई से कितना ज्यादा घातक हो सकता है, इसके लिए कुछ उदाहरण से भी समझाया है। एआई को हथियार बनाया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी टूल्स का इस्तेमाल रासायनिक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दुनिया के चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह जाए, इसका खतरा ये हो सकता है कि ऐसे में दुनिया के चंद लोग जो भी चाहें अपने तरीके से अपने विचारों को दमनकारी सेंसरशिप के जरिए थोप सकते हैं। Cut the chatter. More of them coming. Sorry, chief. Back to work. कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में मनुष्य एआई पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। कहने का मतलब है कि हम बिना मशीन या रोबोट के कुछ भी करने में खुद को बेहद ही असमर्थ पाने लगे। वहीं एआई और जॉब रिस्क पर अपनी बात करते हुए उन्होंने बताया कि हर तरह की तकनीकी क्रांति रोजगार बदलाव को जन्म देती है। एआई आने के बाद कई तरह के जॉब खत्म हो जाएंगे, वहीं कई नए रोजगार की संभावनाएं भी बनेंगी। हालांकि भविष्य में किस तरह की नई नौकरियां होंगी, उनकी कल्पना करना अभी थोड़ा मुश्किल है। इन तकनीकों के आने से प्रोडक्टिविटी में बूम आएगा, जो कि समाज को और भी ज्यादा समृद्ध करने का काम करेगा। एआई और उससे इंसानी अस्तित्व पर होने वाले खतरों पर अपनी बात करते हुए सैम अल्टमैन ने बताया कि मौजूदा समय में अभी तक कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना है जिससे इंसानों को कोई खतरा हो। हालांकि भविष्य में हमें आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का निर्माण अपने उद्देश्यों के साथ तारतम्य मिलाकर करना होगा। यह काफी महत्वपूर्ण है। ओपनएआई इसी पर काम कर रहा है।